नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैन कंप्यूटर में। और आज हम लोग का जो एचटीएमएल कुछ चैप्टर थे वो सारे बग खत्म हो चुके हैं, इससे हमारा कुछ बचा नहीं है। मे बी अगर कुछ भी बचा होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आप लोगों से मैं सजेशन देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आज आप लोग कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो से वो लोग प्रॉफिट ले सकते हैं जिन्हें एचटीएमएल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर जो भी अपने जो करियर है वो वेब डिज़ाइनिंग में बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारी जो अगली सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी सीएसएस की। सीएसएस को मैं आपको पूरी फुल्ली तरीके से समझाऊंगा कि सीएसएस क्या है। ये बिगनर्स के लिए होगी और इसे बिगनर्स भी देखेंगे, और ये वीडियो इस तरह से बनेगी कि ये बिगनर्स को भी बेनिफिट करेगी और जो थोड़ा बहुत सीएसएस में जानते हैं, मीन्स जानने का मतलब ये होता है कि जानते तो सब कुछ हैं बट आप उसके बारे में पूछना चाहेंगे तो वो आपको नहीं बता सकते। मीन्स बहुत से बंदे होते हैं कि जो वर्डप्रेस वगैरह पे काम करते हैं तो उन लोगों को पूरी फ्रेमवर्क की नॉलेज होती है, सीएमएस की नॉलेज होती है, बट कोर की नॉलेज बहुत लोगों को कम होती है। तो आजकल क्या है कि जब से आपका बूटस्ट्रैप मार्केट में आया, जो एक फ्रेमवर्क है आपका जावास्क्रिप्ट और सीएसएस दोनों का, तब से इंस्टीट्यूट वालों ने सीएसएस को बहुत ही लेस कर दिया पढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये एक बार से फिर से मैं आप लोगों को सारे टॉपिक यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि आप देखिए, आप मेरी वीडियो से सिर्फ सीख सकते हैं बट सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। सर्टिफिकेट के लिए और आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल के लिए भी अगर आप चाहें तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों से बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाएँ और कोडिंग से रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मीन्स अगर आप वेब डेवलपमेंट में कोडिंग पढ़ रहे हैं किसी भी तरह की, तो आप उसके लिए सिर्फ नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें। ना तो आप सबलाइम यूज़ करें, ना ही आप ड्रीमवीवर यूज़ करें। ड्रीमवीवर सबलाइम यूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप जो भी उसमें कोडिंग करते हैं वो नॉर्मली आपका उसमें सब कुछ बना बनाया होता है, सिर्फ आपको एक कोड लिखेंगे उससे रिलेटेड आपके सारे एट्रीब्यूट्स अपने आप बन जाते हैं। तो अगर आपको कोडिंग अगर अपनी अच्छी करनी है तो आप उसके लिए नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें। तो कहीं पर भी आप जाएँ तो ये टॉपिक आप उसमें ज़रूर कवर करें, HTML का इंट्रोडक्शन कि HTML क्या है उसके बारे में आप समझेंगे अपना, फिर HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML का सिंटैक्स क्या है लिखने के लिए आपका, HTML की हेडिंग्स क्या हैं आपकी। HTML हेडिंग्स में मैं बता सकता हूँ आपको कि आपकी HTML ब्लॉक है, ब्लॉक टेक्स्ट में आप क्या जाते हैं, आपकी हेडिंग्स आती हैं, पैराग्राफ आते हैं, फॉर्म आते हैं और लिस्ट मेन्यू वगैरह सारी आपकी आती हैं। इसके बाद आप सीखेंगे HTML के इनलाइन टैग, मतलब ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग में क्या अंतर होते हैं वो आप जरूर देखें। तो ये सारा मैंने अपने जितनी मेरी वीडियोस बनाई हूँ सब मैंने आपको बता चुका हूँ, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इनलाइन टैग में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है आपका। इसके बाद आपके आते हैं HTML इमेज, HTML वीडियो, ये हमारा वैसे HTML फाइव का टैग है, HTML ऑडियो, HTML आपकी मार्की, HTML टेबल, HTML फॉर्म, HTML फ्रेम, HTML आई फ्रेम, HTML नेविगेशन फ्रेम और HTML आपके लिस्ट मेन्यू, HTML आपका ईमेल लिंक। शायद मैंने कुछ चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ दी है, मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि HTML ईमेल लिंक आपको के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, और एक आपका HTML कुछ बेसिक टैग्स होते हैं उनके लिए आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने होंगे। मतलब हमारा क्या होता है कि जब आप एक वेबसाइट वगैरह चेक करते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको एक वेबसाइट में इमेज लगानी है, किस तरह से आपको कंटेंट लिखना है, किस तरह से आपको हेडिंग्स लिखनी है और किस तरह से आपको HTML फॉर्मेटिंग तैयार करनी, मीन्स HTML की जो कलर की प्रॉपर्टी होती है वो आप किस तरह से यूज़ करते हैं। कलर की प्रॉपर्टी दो तरह से आप लोगों को यूज़ करना है, एक है इनसाइड टैग के लिए है और एक है आपका आउटसाइड टैग। ये दोनों अच्छे से समझेंगे अपना, आउटसाइड टैग आपका। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए नो इशू, बट ध्यान रहे कि ये सारे टॉपिक आपको कवर करने ही करने हर हाल में। इसके बाद के जो और भी टॉपिक होंगे वो HTML 5 के हैं, लेकिन वो आप तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह आपको कवर कर लेंगे अपना। तो आई होप हम लोगों ने HTML में जितनी भी सीरीज़ पढ़ी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है और आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट्स है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए। और इन फ्यूचर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यू कैन कॉल मी और मेल मी डायरेक्ट। तो मैं आपका माई नंबर माई नेम तो आपको बताता हूँ, शरद जैन आपका, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मोबाइल नंबर मेरा +91 9797 54 91, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा नॉर्मल आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये मेरी ईमेल आईडी, अगर आपको किसी भी कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में आपको कोई भी परेशानी है तो आप पूरा प्रोजेक्ट मुझे आप मेल कर दीजिए, मैं उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करके आपको भेजूंगा और मैं आपको टिप्स भी दे दूंगा उसमें क्या गलती की गई है। और आप मुझसे अगर डायरेक्टली लाइव चैटिंग के थ्रू भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप स्काइप वगैरह भी मुझे बता दीजिए, मैं भी मैंने फिलहाल इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। स्काइप पर बहुत सारे आपके ऑनलाइन वीडियो चैटिंग है जिसके थ्रू हम लोग आप
आपस में नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, मीन्स मैं आप लोगों को कुछ भी बता सकता हूँ, नो इशू। तो GCTC वेब डेवलपर @gmail.com, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप चलेगा वो चलेगा आप लोगों का CSS, लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग HTML पूरा ख़त्म कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग अपने न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। न्यू सीरीज मीन्स HTML में हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों का आई थिंक कल मैं शायद बनाऊँ, मंडे में जब भी मैं बनाऊँ। तो हम लोगों को करना है कि एक्चुअली हमें ये देखना है कि एक वेबसाइट की टेम्पलेट डेवलप करने के लिए हमें सेक्शन सब सेक्शन को किस तरह से मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मल टेबल आपका, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहे और मिलते फिर हम लोग अपनी सीरीज में, हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को HTML लिंक और बेसिक टेक के बारे में इन्फॉर्मेशन इसी में दे देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि हम लोग उसको ख़त्म ही करते लास्ट अपना, मुझे दोबारा वीडियो ना बनानी पड़े। तो देखिए इसमें क्या है आपका, चलिए इसका आप लोग न्यू वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा बेटर होगा, इसको भी हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग न्यू सीरीज में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।